हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है, ठीक है। और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लास्ट लेक्चर होगा। और इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सिर्फ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पे ही बात करूंगा। तो प्लीज क्या करिए, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने क्या किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो कंटेंट आपको मिलने वाला है फिजिक्स का, बहुत इजी वे से मिलेगा, डिफिकल्ट नहीं मिलता। उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको जो लैंग्वेज होते हैं, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज नहीं होती है, कि जनरल लैंग्वेज होती है, जिसको आप इजिली कैप्चर कर पाते हो, ठीक है। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसके पहले आप लोग बताइएगा, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, ठीक है। आप लोग सब ठीक हैं कि नहीं ठीक है, ठीक है, सबको बताइएगा। सो लेट स्टार्ट द क्लास। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बहुत इजी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? स्प्रेड होना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाना? फैल जाना। बहुत इजी वे से समझिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं कि रिप्लेसिंग ऑफ चार्ज या फिर प्लेसिंग ऑफ चार्ज। यानी कि आपके पास एक सरफेस हो या फिर कोई थिंग्स हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप क्या करते हो, चार्ज को उठा करके एक स्पेशल मैनर में क्या कर दो, वहां पे स्प्रेड कर दो। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को राइट करना चाहूं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज। जो स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज होता है इन अ रीजन, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज इन अ रीजन इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वास्तव में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, कि चार्ज को आप क्या करिए, किसी भी रीजन में फैला डालिए, रिप्लेस कर डालो, स्प्रेड कर डालो। जैसे पेन है, आप क्या कर दो, पेन को लेकर के यहां पे फैला दो, पेन को लेकर के चार्ज को इसको इस पर फैला दो। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर मैंने राइट किया है स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज इन अ रीजन इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर मैं पूरा नहीं राइट कर रहा हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे समझिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो 100% मैं गारंटी लेता हूं, आपको कोई भी टॉपिक डाउट नहीं करेगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बहुत धैर्य के साथ करना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको समझ में आया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का स्प्रेड होना, किसी भी रीजन में चार्ज का स्प्रेड होना, चार्ज का फैल जाना, चार्ज का प्लेस हो जाना, प्लेसिंग ऑफ चार्ज। सिंपल सा बोलिए, क्या प्लेसिंग ऑफ जो चार्ज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थ्री टाइप्स का होगा। थ्री टाइप्स का क्यों हुआ, क्योंकि आपके नेचर में ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 3D। यानी कि उसके पास लेंथ हो सकती सिर्फ, या तो फिर उसके पास एरिया होगा, या तो फिर उसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इसी बेसिस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट, वो थ्री टाइप्स का होगा। तो जो फर्स्ट यहां पे है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट जो होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड जो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो थर्ड होता है वो आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का किसी भी रीजन पे फैल जाना, चार्ज का किसी रीजन पे फैल जाना ही क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप्स का होगा, थ्री टाइप्स का। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझिए अभी इजी हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वायर पे हो, वायर मींस क्या, उसके पास सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा, ये देख रहे हैं ना। तो इसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ है। तो यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जिस पे ये, जिस रीजन पे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके पास एरिया नहीं है। जिस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके पास एरिया नहीं, उसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ है। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे हो रहा है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हो रहा है बच्चों, लेंथ पे, यानी कि ये आपके पास हैंड है, कोई आपके पास तार ले लो, एक तार ले लो, उस तार के पास सिर्फ क्या है,
लेंथ है तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तार है ये, वायर है, वायर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये हैंड ले लो, हैंड ले लो, तो हैंड क्या है, सरफेस है, इसके पास एरिया है, इसके पास क्या है, एरिया। तो इसके पास जब एरिया होगा यानी कि एरिया पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, तो एरिया में क्या होगा, लेंथ भी होता है और क्या होता है, ब्रेथ भी होता है। एरिया में क्या होता है, लेंथ भी होता है और क्या होता है आपका, ब्रेथ भी होता है। तो अगर एक ऐसा रीजन जिसमें क्या हो, लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, अगर वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस पे होगा, सॉलिड पे होगा, सॉलिड पे होगा, जिसके पास क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। देखो ये वॉल्यूम है, तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ लेंथ में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्लेसिंग ऑफ चार्ज, जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थ्री टाइप्स का हो गया, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर का मतलब होता है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेंथ पे होगा, लेंथ पे होगा, उसमें सिर्फ लंबाई होती है, जैसे वायर ले लो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एरिया पे होगा, किस पे होगा, एरिया पे होगा, ठीक है ना। अगला क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होगा जिसके पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, तीनों चीज। अच्छा एक बात और पता चल रहा होगा, ये जो होता है फिगर, ये वन डी फिगर है, वन डायमेंशनल, और ये क्या है, टू डायमेंशनल, ठीक है, और यो है कैसा है, थ्री डायमेंशनल। तो इससे भी पता चल सकता है कि अगर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे हो रहा है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन डी पे हो रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डी पे होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर थ्री डी पे होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक फार्मूला होता है, तीनों क्या करते हैं, अपने अपने के लिए एक फार्मूला लेते हैं। तो इसमें जो फार्मूला होता है, जैसे आप लोग सुनो डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी का सिंबल आपने सुना होगा डी, डी कल्ट होता है यम अपान में, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, कितने वॉल्यूम में कितना मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। समझ में आ रही बात, जैसे यहां पे क्या होता है बच्चों, डेंसिटी में क्या होता है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, वैसे यहां पर भी होगा, कितने लेंथ में कितना चार्ज है, कितने एरिया में कितना चार्ज है, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो यहां पर भी क्या होगा, थ्री टाइप्स की डेंसिटी हो जाती है। एक आपका हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितने वॉल्यूम में कितना मास था, यहां पे क्या है, चार्ज रिलेटेड है, यानी कि कितने लेंथ में कितना चार्ज है, कितने लेंथ में कितना चार्ज है, उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल होता है लैम्डा, लैम्डा कल्ट होता है क्यू अपॉन एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है हमेशा सेम होता है। समझ में आई बात, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो सेम होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है, ये तो लिया जाने से। अच्छा एक कुछ और बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, कुलम, यहां पे क्या है, मीटर, तो इसका यूनिट होगा कुलम पर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, एल का कहां जाएगा, ऊपर, एल माइनस वन, एटी। ये बात था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस पे बात था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वैसे यहां पे क्या आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कि कितने एरिया पे कितना चार्ज, कितना चार्ज कितने एरिया पे, कि वो पानी हो गया, कम खत्म। अब इसका सिंबल लैम्डा है, इसका सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा कल्ट होता है क्यू अपान ए, सिग्मा कल्ट होता है स्टूडेंट क्यू अपान ए, यानी कि कितने एरिया पे कितना चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या बोलेंगे इसको हम, चार्ज पर यूनिट एरिया। थ्योरी के टेंशन में आप मत पढ़िए, थ्योरी में आपको दे दूंगा, ठीक है, नोट्स बना बनाया आपको मैं दे दूंगा, सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने क्या किया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
तो चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात वही मिल रहा है कि कितने लेंथ पे कितना चार्ज, कितने एरिया पे कितना चार्ज। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला एल माइनस टू एटी, एल माइनस टू एटी हो गया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अब ऐसे क्या आएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंबल क्या हो गया? रो, रो कर टू क्यू अपॉन वी। तो लर्न कर लो सिंबल सबका, लैम्डा, सिग्मा और रो। रो कर टू क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसको कहते हैं? चार्ज, आप लोग थ्योरी में राइट कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला भैया लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसकी यूनिट चेक कर लो, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर एल माइनस थ्री एटी। तो आज के समय में आया होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का फैलना, एक स्पेशल रीजन में चार्ज का फैल जाना, ये क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थ्री टाइप्स का होगा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर का मतलब होगा कि सिर्फ लेंथ पे होगा, सिर्फ लेंथ पे यानी कि किसी तार पे। सरफेस का मतलब होगा किसी एक एरिया पे जिसके पास लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। देखो लिखा हो, लेंथ भी और ब्रेथ भी, ठीक है, यहां पर राइट है। नेक्स्ट होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। तो ये वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने कहा डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हर एक टर्म क्या करेगा, एक डिफरेंशियल लेकर चलता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता था जो हम लोग क्लास 11 में लर्न किए हैं, 9th में लर्न किए हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे यहां पे क्या होता है कि कितने लेंथ में कितना चार्ज, कितने एरिया में कितना चार्ज, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज। सबका सिंबल लैम्डा, सिग्मा और रो। यूनिट कूलम पर मीटर, एल माइनस वन एटी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, तो आते मिलने का समय में आया होगा। तो अब बच्चों क्या करेंगे, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ओके, सो नोट डाउन इट। ओके, क्वेश्चन ये आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, थोड़ा फोकस करके इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा डिफिकल्टी देता है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से पहले, ठीक है। एनसीईआरटी कह रहा है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। यानी कि आप लोगों ने क्या किया होगा कि एक एप्लीकेशन सॉल्व किया होगा गॉस थ्योरम में, कि आपके पास एक वायर था इनफिनाइट लेंथ का, एक आपके पास क्या था, एक वायर था इनफिनाइट लेंथ का, तो उसके लिए जो फार्मूला आपने डिराइव किया होगा इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ एल नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। ये फार्मूला मैंने डिराइव किया, और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, ऑल एप्लीकेशन गॉस थ्योरम ऑल एप्लीकेशन जो है उसमें मैंने पहला एप्लीकेशन बताया था। यानी कि आज उसी को फिर से डिराइव करना है, लेकिन स्टूडेंट बात यह है ना, इसमें आज गॉस थ्योरम यूज नहीं करना है, इसमें आज क्या करना है, गॉस थ्योरम आपको यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। ये वायर इनफिनाइट लेंथ का है बच्चों, इनफिनाइट लेंथ का है, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट जाएगा, और इसके सेंटर ओ से वाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी है, और इसी पॉइंट पी पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करना। फार्मूला को पता है कितना आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन इनटू लैम्डा अपॉन आर, आर के प्लस पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई। बट आज आपको क्वेश्चन ये बना के दे दिया कि गॉस थ्योरम का यूज ना करो, यानी कि आज ये जो डिपेंड होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा बच्चों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो लेट स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे थोड़ा सा लेंथ ले लो, मैं यहां पे थोड़ा सा लेंथ ले रहा हूं, और इस लेंथ को सपोज कर रहा हूं डीएल,
डी का लेंथ हो गया, और इसको पॉइंट पी से मिला दो, पॉइंट पी से मिला दिया, ठीक है, पॉइंट पी अंदर कर दो थोड़ा सा। अच्छा यहां पे डी लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको क्या सपोज करेंगे, डी क्यू। देखो जब आपका लेंथ यार स्मॉल एलिमेंट हो गया लेंथ का, तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल ही ना होगा। आपको पता है डी क्यू मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं आप लोगों को इसके पहले मैं बता भी चुका हूं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डी लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो अब की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे हो जाएगा, वो बाहर की तरफ होगा। इतनी बात समझ में आई होगी कि जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो कहां होगा, बाहर। तो उसको मैं क्या सपोज कर ले रहा हूं, डी, ठीक है। और ये लाइन ऐसे सीधे जा रही है, ये लाइन ऐसे सीधे जा रही है, ठीक है, ये सीधा बनाओ थोड़ा सा। तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी, वो निकालो सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डीई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, डी क्यू है, ठीक है। अच्छा लैम्डा का डू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी है। देखो जैसे इस्तेमाल चार्ज था, लैम्डा का डू क्यू अपॉन एल होता है, इसलिए ये लेने जा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ है, इसके पास क्या स्टूडेंट, लेंथ, ठीक है। तो जब स्मॉल चार्ज तो स्मॉल लेंथ हो जाएगा, तो यहां से डी क्यू कर्ण कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल, रखो यहां पे, डी इज कल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो जो मैं क्या कर रहा हूं, आर क्या है वो समझो, आर इसकी यहां से डिस्टेंस है, और इसको क्या सपोज कर सकते हैं हम, इसको सपोज कर लो एक्स, इसको क्या सपोज कर सकते हैं, एक्स। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये 90। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा डी एल अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इतनी बात मुझे लगता समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे का प्रोसेस देखिए, इसके आगे प्रोसेस देखिए। तो ऐसे ऊपर भी ले लो थोड़ा सा एलिमेंट, यहां पे उतने डिस्टेंस पर, यक्ष डिस्टेंस पर, तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी कहां चला गया, इस पर। तो अच्छा डी के कंपोनेंट देख लो, डीई के जो कंपोनेंट आएंगे, सबसे पहले इसका देखो, इसका यहां पर मैं पहले दो कंपोनेंट बनाएंगे, यहां पे एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो डी के टू कंपोनेंट आएगा, एक इस पे आएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ऊपर क्या आ गया डी साइन थीटा। तो वैसे डी ए भी है, तो इसका भी क्या आ गया यहां पे, डी कॉस थीटा, और इस पे क्या आ गया डी साइन थीटा। आपको क्या लग रहा होगा कि जो डी साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो गया डी ई साइन थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, सॉरी डी ई साइन थीटा कैंसिल, बट डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डी कॉस थीटा
विल एड, ठीक है। डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो डी कॉस थीटा क्या हो रहा है, सब एक ही तरफ आ रहा है जो एड हो जाएगा, लेकिन ये डी साइन देखो इधर नीचे उतना ही है, उतना उस पर प्लस भी है, तो ये सब कट जाएगा, यहां से फिल होगी इधर, इधर से फिल होगा, फिर क्या हो जाएगा ऊपर वाला खत्म, इधर वाली बचेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि डी कॉस थीटा निकाल दो, डी कॉस थीटा निकाल दो यहाँ पे, तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, तो डी हमारा ये इतना पूरा है, तो इसके प्लस में मैं के रख दे रहा हूँ, बाद में रिप्लेस कर दूंगा। सो के लेमडा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा ये थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर है, तो वाई अपॉन आर इंटू वाई अपॉन आर। सो आई थिंक समझ में आया, मैं क्या कर रहा हूं, डी क्यू लेंथ ले लिया, सॉरी डीएल लेंथ ले लिया, उस पर चार्ज कितना हो गया डी क्यू, और इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है यक्स, यहां से कितने डिस्टेंस आर, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो यहाँ पे फॉर्म पूरा करके आ रहा है मैंने यहाँ पे बी। अब इसके दो कंपोनेंट, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो वैसे यहां पर भी लेंगे, इधर आएगा एक इस तरफ कंपोनेंट और एक इस तरफ का कंपोनेंट, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी क्या है इनका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा, बट डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये एड हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहां पर मैंने राइट किया डी कॉस थीटा विल व्हाट एड, तो अब आपको डी कॉस थीटा मिल गया, अब ऐसे कितना ऐड करोगे, सोचो पहले कितना आप ऐड करोगे, तो ऐड करने से कोई फायदा नहीं, आप थोड़ा डी कॉस थीटा निकाल दो, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करने से क्या जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो नोट डाउन इट एंड सॉल्व इट, देखते हैं हम लोग डी कॉस थीटा, तो डी कॉस जो हमारा आया था वो कितना आया था, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वहां पर मैंने क्या कर दिया, एल को डी एक्स से कन्वर्ट कर दिया, एल के प्लेस पे क्या रख दिया हूं एक्स, क्योंकि यहां पर देखो ये एक्स था यहां से यहां तक का, तो यहां तक एक्स था, तो ये भी कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, तो ये चेंजमेंट करने के बाद फिर मैंने निकाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, अब बात होती है लिमिट का, लिमिट ऐसा लेते हैं जिससे क्या हो जाए पूरा का पूरा आ जाए, माइनस इनफिनिट था ऊपर क्या हो जाएगा प्लस इनफिनिट, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। अब इसके बाद इसका मैंने वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दिया, डी का जो वैल्यू आया था के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब मैंने आप देखो कन्वर्जन यहां पे पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू वाई टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या किया गया इसका डिफरेंशिएशन किया गया, तो यहां पे अब लिमिट भी चेंज कर दो, यहां पे जो लिमिट होगा स्टूडेंट वो माइनस पाई बाय टू से क्या हो जाएगा पाई बाय टू, देखो जब आपका वेरिएबल चेंज होता है तो वेरिएबल चेंज होने के साथ साथ आपका लिमिट भी चेंज होगा, तो अब की बार ये माइनस इनफिनिट नहीं होगा, अभी क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, देखो क्योंकि टेन माइनस पाई बाय टू की वैल्यू होती है माइनस इनफिनिट और टेन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है इनफिनिट, तो ये मैंने पूरा कर दिया वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। अब डीएक्स की वैल्यू कितनी है वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन करके ये कर दिया, ये खत्म हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, और ये भी क्या है सेक स्क्वायर थीटा, जैसे क्या हो गया दोनों को दोनों कट गए, और वाई वाई भी क्या हो गया खत्म, तो वाई बचा नीचे बाहर कर दो के लैम्डा अपॉन वाई, इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन थीटा, लिमिट क्या है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, इसकी जो वैल्यू आती है इस पूरे को सॉल्व करने पर वो कितना आएगा टू आएगा, ठीक है मैथमेटिकल बच्चे जानते हैं आप लोग भी, अगर बाय वाले बच्चे वो भी समझ सकते हैं, तो टू यहाँ पे हो गया के की वैल्यू रखने के बाद आप आ गया वन अपॉन टू पाई फाइव इनटू लैम्डा अपॉन पाई। तो आई थिंक इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव क्लियर, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट, ओके सो थैंक यू।